अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद आविदा इदरीसी। आज मैं बनाने जा रही हूँ आम की खट्टी मीठी चटनी, जो कि आप एक साल या उससे ज्यादा भी रख सकते हो, लेकिन इसको पानी से दूर रखना पड़ेगा। देखिए, जितना मैं आम ली हूँ उतने वजन करके मेरी शक्कर है, लेकिन जब इसको घसने के बाद जो इसका गूदा रहेगा उस हिसाब से हम शक्कर डालेंगे। और इसको मैं अच्छी तरह धुल के इसको साफ से पोंछ ली हूं, ताकि इसमें कहीं से पानी ना रह जाए। चलिए अब हम इसको साफ कर लेते हैं। देखिए, अब हम इसके छिलके निकाल लेंगे। छिलके साफ कर लेंगे। छिलके निकाल लिए, अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। एकदम बारीक वाला प्लेट ना लें, उसे थोड़ा मोटा वाला लें। इसी तरह हम सारे कर लेंगे। मैंने पैन रख दिया गर्म होने के लिए। अब हम इसमें मसाले भून लेंगे। देखिए, जीरा है एक चम्मच, ये मेथी दाना है आधा चम्मच, ये मंगरेल है कलौंजी, ये भी आधा चम्मच, ये सौंफ है ये भी आधा चम्मच, ये अजवाइन है ये भी आधा चम्मच। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक इसकी स्मेल अच्छी ना आने लगे। इसको एकदम लो फ्लेम पे लगातार चलाते रहें एक मिनट तक, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह भून जाए। चलाते रहेंगे। अब ये भून चुका है और अब हम इसको उतार लेते हैं और इसको फिर हम इसको पीस लेंगे। हम घस चुके, अब इसको हम बनाएंगे। पानी से मैं निकाल ली और अब मैं इसको कढ़ाई में डालेंगे और इसको एक से दो मिनट तक भून लूंगी मीडियम आंच पे। हम इसमें सारे शक्कर डाल दिए, अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी शक्कर पानी छोड़ेगा। देखिए, अब ये पिघलना शुरू हो गई। हम इसको इसी तरह इसे 10 से 15 मिनट इसी तरह मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे और इसको इसी तरह लगातार चलाते रहेंगे। देखिए, हम इसको मीडियम आंच पे 15 मिनट तक पका लिए। अब हम इसमें एक चौथाई हल्दी पाउडर डालेंगे। इसका कलर अच्छा हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, अब लो फ्लेम पे कर लेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे आधा चम्मच, आपको
आपको अगर न डालना हो तो नमक न डालें। अब हम इसको लगभग 10 मिनट तक पकाएंगे। देखिए 1 मिनट हो चुका, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले डाल के अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद 7 से 8 मिनट तक, पहले बोले थे 10 मिनट, फिर 1 मिनट बाद हम इसमें डालें मसाले, फिर उसी हिसाब से अब हम 7 से 8 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे ऐसे चला लेंगे। चलाते हुए इसको पकाएंगे। अब देखिए हमारी ये चटनी हो चुकी है। अब ये इतना पतला रहे तभी हम इसको बंद कर लेंगे, और ये फिर ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा, और फिर हम शीशे के जार में उसको भर लेंगे 1 साल तक के लिए। उससे भी ज़्यादा आप रख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि कहीं पानी ना पड़े इसमें, और जिस चम्मच से निकाले उसमें भी पानी ना लगा रहे, और जिस जार में रखें उसको भी अच्छी तरह सुखा के रखेंगे। चलिए अब हम फ्लेम को बंद करते हैं। अब ये ठंडी होने के बाद इसे गाढ़ी हो गई, अब इसको हम जार में रख लेते हैं। देखिए हमारी खट्टी मिट्टी आम की चटनी बनके तैयार है। अब आप इसको बनाएं और स्टोर करके 1 साल तक या उससे ज़्यादा भी रख के खा सकते हैं, पर इसको पानी से बचाना है बस। ओके, चलिए टेस्ट करिए बना के, देखिए कैसी बनी है। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।